नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अवध एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि बरौनी जंक्शन से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बीच में रोज चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अवध एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि बरौनी जंक्शन बिहार से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक प्रतिदिन ट्रेन है, डेली ट्रेन है। अब ये जो ट्रेन है नए अपडेटेड टिकट किराए और टाइम टेबल के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका ट्रेन नंबर है 19038 और ये जो ट्रेन है बरौनी से मुंबई की जो दूरी है 44 घंटे 45 मिनट में कवर करती है। इसके तकरीबन 82 स्टेशन हैं, 2255 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 50 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और LHB कोचेज वाली ट्रेन है। फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और AC इकोनॉमी के भी कोच इसमें शामिल हैं। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में, तो ये बरौनी से स्टार्ट होती है समस्तीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए नरकटियागंज को क्रॉस करते हुए ये गोरखपुर जंक्शन में पहुंचती है। गोरखपुर के बाद ये ट्रेन जो है लखनऊ में पहुंचती है। लखनऊ के बाद कानपुर होते हुए ये ट्रेन जो है आगरा फोर्ट, गंगापुर सिटी, माधोपुर, कोटा जंक्शन, रतलाम जंक्शन होते हुए ट्रेन जो है सूरत के थ्रू मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। इस यात्रा को करने के लिए इसे 2257 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ता है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो बरौनी जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस मुंबई तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो अवध एक्सप्रेस में फर्स्ट AC का बरौनी से मुंबई तक का टोटल टिकट किराया 5295 रुपये है, जिसमें 4982 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, GST चार्ज 253 रुपये है। टोटल टिकट किराया जो बनता है वो है 5295 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा सेकंड AC के कुछ भी हैं, जिसका बरौनी से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक का किराया है 3105 रुपये, जिसमें 2907 रुपये बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 148 रुपये है। टोटल टिकट किराया 3105 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो किराया है वो है 2125 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 1983 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 40 रुपये, GST चार्ज है 102 रुपये। टोटल टिकट किराया 2125 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा थर्ड AC इकोनॉमी के भी कोच हैं इसमें, जिसका बरौनी से बांद्रा टर्मिनस तक का किराया है 2020 रुपये, जिसमें 1883 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 97 रुपये है। टोटल टिकट किराया 2020 रुपये बनता है थर्ड AC इकोनॉमी का। इसके अलावा अवध एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास की अगर बात करें तो 6 कोच हैं स्लीपर क्लास के, जिसका बरौनी से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक का किराया है 805 रुपये, जिसमें 785 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल टिकट किराया 805 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा जनरल डिब्बो की बात करें तो जनरल डिब्बो के तकरीबन इस ट्रेन में 2 कोचेस हैं, जिसमें अगर आपने जाना है तो आपको जनरल टिकट लेके जाना होगा। जनरल टिकट का जो किराया है बरौनी से मुंबई तक का वो है 470 रुपये के करीब। ये किराया अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से किराया कन्फर्म जरूर करें। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है ये चार्जेस पे करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं अवध एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं बरौनी जंक्शन से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं और उन स्टेशन पर इस ट्रेन का क्या स्टॉप है। अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। बरौनी जंक्शन से हर रोज ट्रेन जो है सुबह 7:20 पर रवाना होती है और तकरीबन 44 घंटे 45 मिनट बाद मुंबई बांद्रा टर्मिनस में सुबह 4:05 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है समस्तीपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 8:33 पर पहुंचती है और 8:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 50 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है SPJ। इसके बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन में यह ट्रेन जो है सुबह 9:35 पर पहुंचती है और 9:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 102 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मोतीपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। मोतीपुर रेलवे स्टेशन बिहार में सुबह 10 बज के
12 मिनट पे पहुंचती है और 10:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 129 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद महसी बिहार में ट्रेन जो है सुबह 10:28 पे पहुंचती है और 10:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 142 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद चकिया बिहार में ये ट्रेन जो है सुबह 10:38 पे पहुंचती है और 10:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है और 150 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पिपरा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है सुबह 10:50 पे पहुंचती है और 10:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 161 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है PPA। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे सुबह 11:08 पे पहुंचती है और 11:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है और 183 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है बरौनी से चलकर सगौली जंक्शन बिहार में पहुंचती है सुबह 11:38 पे और 11:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 203 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बेतिया रेलवे स्टेशन बिहार में ट्रेन जो है दोपहर के 12 बजे के करीब पहुंचती है और 12:01 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है और रक्सौल बापूधाम मोतिहारी स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है नरकटियागंज जंक्शन बिहार में पहुंचती है दोपहर के 12:45 पे और 12:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 263 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हरिनगर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है दोपहर के 1:04 पे पहुंचती है और 1:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 278 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बागा रेलवे स्टेशन बिहार में ट्रेन जो है दोपहर के 1:29 पे पहुंचती है और 1:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 304 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पनियावाह रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है दोपहर के 2:53 पे और 2:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है खड्डा उत्तर प्रदेश में पहुंचती है दोपहर के 3:05 पे और 3:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 333 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है KZA। इसके बाद अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सिसवां बाजार रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है दोपहर के 3:22 पे और 3:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 347 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है SBZ। इसके बाद कप्तानगंज जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 3:50 पे पहुंचती है और 3:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 374 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पिपराइच रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में शाम के 4:13 पे पहुंचती है और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 393 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 5:05 पे पहुंचती है और 5:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है सजनवा रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है शाम के 5:42 पे और 5:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। मगर रेलवे स्टेशन पे दोपहर शाम के 5:54 पे पहुंचती है और 5:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है 438 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। खलीलाबाद में अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है शाम के 6:08 पे पहुंचती है और 6:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बस्ती रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है शाम के 6:35 पे और 6:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। बबनान रेलवे स्टेशन पे शाम के 7:02 पे पहुंचती है और 7:04
चार मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर दो मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 507 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। स्वामी नारायण छपिया रेलवे स्टेशन पे शाम के 7:16 पे पहुँचती है और 7:18 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 518 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। मस्कनवा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है शाम के 7:26 पे पहुँचती है, 7:28 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मनकापुर जंक्शन में पहुँचती है शाम के 7:56 पे, 7:58 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 536 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 8:35 पे पहुँचती है और 8:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 564 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। कर्नलगंज में ट्रेन जो है रात के 9:06 पे पहुंचती है और 9:08 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 593 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। जरवल रोड पे ये ट्रेन जो है रात के 9:24 पे पहुंचती है और 9:26 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 610 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बुड़वल जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 9:44 पे पहुंचती है और 9:46 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बाराबंकी जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 10:33 पे पहुंचती है और 10:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर दो मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है गोमती नगर में पहुँचती है रात के 11:05 पे और 11:07 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर दो मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 763 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बादशाह नगर लखनऊ में ट्रेन जो है रात के 11:17 पे पहुँचती है और 11:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। तीन मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद लखनऊ सिटी में यह ट्रेन जो है रात के 11:32 पे पहुँचती है और 11:34 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 684 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है ऐशबाग जंक्शन में पहुँचती है रात के 12:03 पे और 12:13 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है एक चार नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 687 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और ऐशबाग का स्टेशन कोड है ASH। इसके बाद अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो हरौनी रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। हरौनी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है रात के 12:44 पे पहुंचती है और 12:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उन्नाव जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है रात के 1:09 पे और 1:11 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 740 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल में रात के 1:45 पे पहुँचती है और 1:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 758 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। फाफूंद रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 2:45 पे पहुंचती है और 2:46 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। एक मिनट का स्टॉप है तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। प्रयागराज एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बरथाना रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है रात के 3:10 पे और 3:11 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। एक मिनट का स्टॉप है तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद इटावा जंक्शन में यह ट्रेन जो है रात के 3:53 पे पहुंचती है और 3:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। शिकोहाबाद जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 4:28 पे पहुंचती है और 4:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है सुबह 4:58 पे पहुँचती है और 5 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 973 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। टुंडला जंक्शन में यह ट्रेन जो है सुबह 5:35 पे पहुँचती है और 5:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है चार नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है।
इसके बाद ये ट्रेन जो है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है सुबह 6:15 पे पहुंचती है, 6:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है ईदगाह आगरा जंक्शन में सुबह 6:38 पे पहुंचती है और 6:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 7:13 पे पहुंचती है और 7:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1048 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। रूपभास रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है सुबह 7:30 पे पहुंचती है और 7:32 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1062 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बयाना जंक्शन में ये पहुंचती है सुबह 8:53 पे और 8:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1096 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हिंडौन सिटी में ट्रेन जो है सुबह 9:16 पे पहुँचती है और 9:18 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1129 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पे सुबह 9:28 पे पहुंचती है और 9:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1140 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और गोल्डन टेम्पल मेल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। गंगापुर सिटी में ट्रेन जो है सुबह 9:50 पे पहुंचती है और 9:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1173 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। गंगापुर सिटी का स्टेशन कोड है GGC और इसके बाद ये ट्रेन जो है सवाई माधोपुर जंक्शन में पहुँचती है सुबह 10:38 पे और 10:43 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। हर इतवार को गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद लखेरी राजस्थान में यह ट्रेन जो है सुबह 11:18 पे पहुंचती है और 11:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1285 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कोटा जंक्शन राजस्थान में दोपहर के 12:10 पे पहुंचती है और 12:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अवध एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद दकनिया तालाब रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है दोपहर के 12:30 पे पहुंचती है और 12:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1354 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मोरक रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है दोपहर के 1:03 पे पहुंचती है और 1:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। रामगंज मंडी जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:13 पे पहुंचती है और 1:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1417 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। झालावर रोड में ये ट्रेन जो है जो कि राजस्थान का स्टेशन है दोपहर के 1:24 पे पहुंचती है और 1:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है भिवानी मंडी रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 1:43 पे पहुंचती है और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। घरौथ रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है दोपहर के 2:03 पे पहुंचती है और 2:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है स्वसरा रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है दोपहर के 2:33 पे और 2:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद चौमहला रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:53 पे पहुंचती है और 2:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। विक्रमगढ़ लौट रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है दोपहर के 3:23 पे पहुंचती है और 3:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है नगदा जंक्शन मध्य प्रदेश में शाम के 4:15 पे पहुंचती है और 4:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1571 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है।
खाचरोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है शाम के 4:30 पर पहुंचती है और 4:32 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद रतलाम जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 5:05 पर पहुंचती है और 5:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है RTM। इसके बाद बमनिया रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है शाम के 5:52 पर पहुंचती है और 5:54 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1657 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मेघनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है शाम के 6:21 पर और 6:23 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1692 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। गुजरात के पहले स्टेशन दाहोद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है शाम के 6:47 पर पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गोधरा जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है रात के 8:10 पर पहुंचती है और 8:12 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। वडोदरा दाहोद मेमू स्पेशल ट्रेन के साथ डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है डेरोल रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। डेरोल रेलवे स्टेशन पर रात के 8:31 पर पहुंचती है और 8:33 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कोचीवली इंदौर वीकली स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। वडोदरा जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है रात के 9:30 पर पहुंचती है और 9:38 पर वहां से रवाना हो जाती है। 8 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। और यहां पर सयाजी नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद अखिलेश्वर जंक्शन में रात के 10:19 पर पहुंचती है और 10:21 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1592 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। सूरत रेलवे स्टेशन पर रात के 11:24 पर पहुंचती है और 11:29 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। वलसाड रेलवे स्टेशन पर रात के 12:47 पर पहुंचती है और 12:50 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद वापी रेलवे स्टेशन पर रात के 1:08 पर पहुंचती है और 1:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2097 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। बोईसर रेलवे स्टेशन पर रात के 2:10 पर पहुंचती है और 2:12 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2157 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बोरीवली रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में रात के 3:12 पर पहुंचती है और 3:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 7 या 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2238 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। अंधेरी रेलवे स्टेशन में अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है रात के 3:33 पर पहुंचती है और 3:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2250 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मुंबई बांद्रा टर्मिनस में 4:05 पर पहुंचती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है 2256 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोज बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, इस तरह इस चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।